So hey guys, this is Gursaheb and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you are planning to come to Canada as an international student, this video is going to be very useful for you. क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपनी होम कंट्री से कनाडा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली जब हम कनाडा की फ्लाइट बोर्ड कर रहे होते हैं ना, तो हमें दो बैग चेक इन करना अलाउड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब उनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है. और जो मैक्सिमम वेट अलाउड होता है एक बैग का, वो होता है 23 किलोग्राम्स. तो मतलब हम टोटल 46 किलोग्राम्स का सामान फ्री में चेक इन करा सकते हैं. और साथ के साथ एक हम 7 केजी का बैग भी अपने साथ फ्लाइट में लेके जा सकते हैं. तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली हम 53 केजी का सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपनी होम कंट्री से कनाडा. तो बेसिकली यार स्पेस और वेट दोनों चीज़ें लिमिटेड होती हैं, तो हमें ध्यान से सामान पैक करना है, ध्यान से सारी पैकिंग वगैरह करनी है. और ऐसी चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि कनाडा में ऑलरेडी अवेलेबल है, या तो अच्छे प्राइस पे या फिर अच्छी क्वालिटी के लिए. ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इज फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. हो सकता है कि किसी और का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अलग रहा हो. तो यार सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अपनी होम कंट्री से कनाडा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है आपका लैपटॉप और आपका फ़ोन. तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अपनी होम कंट्री में ऑलरेडी एक लैपटॉप है, ऑलरेडी आपके पास एक फ़ोन है जो ढंग से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लैपटॉप पे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम्स, जो भी आप यूज़ करते हो वो सब ढंग से काम कर रहा है, आपके फ़ोन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह ढंग से स्क्रॉल हो रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स जा रही हैं, व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड के मैसेजेस जा रहे हैं, तो आपको नए खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. वही आप अपने कनाडा में लेके आना और उनको यहाँ पे यूज़ करना, पैसे बचाना. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अपनी होम कंट्री में फ़ोन या लैपटॉप नहीं है तो वो यहाँ से खरीदना, अपनी होम कंट्री से नए लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब उसके एक दो रीज़न है. पहला रीज़न तो यही है कि यार यहाँ पे डील्स बहुत बढ़िया मिल जाएंगे आपको. अगर हम नवंबर और दिसंबर की बात करें, जो हॉलीडे सीजन होता है, तब ब्लैक फ्राइडे आता है, बॉक्सिंग डे आता है, तो बढ़िया डील्स मिल जाती हैं. 30-40% डिस्काउंट पे भी लैपटॉप मिल जाते हैं आपको. ठीक है, साथ के साथ अगर फ़ोन्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे आप फ़ोन खरीद सकते हो. तो बेसिकली आप सिम कार्ड तो खरीदोगे ही, तो एक फ़ोन का प्लान ज़रूर लोगे. ठीक है, साथ के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट पे अपना आईफोन या कोई फ़ोन वगैरह ले सकते हो. $20-$40 एक्स्ट्रा देके आप एक नया फ़ोन ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे बढ़िया डील्स मिल जाती हैं ब्लैक फ्राइडे के आसपास, तो आपको नए खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं अपनी होम कंट्री से यहाँ के खरीदना. दूसरा रीज़न ये है, यहाँ पे वोल्टेज अलग होती है. आई थिंक 110 वोल्ट चलती है, इंडिया में 220 के आसपास होती है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर देना. ठीक है, तो वोल्टेज का फ़र्क होता है. साथ के साथ इंडिया में जो पिंस होती हैं अडैप्टर की, जो कि सॉकेट में जाता है, मतलब जो आपका चार्जर सॉकेट में जाता है, वो राउंड पिंस होती हैं, यहाँ पे फ्लैट पिंस होती हैं, तो आपको एक कन्वर्टर अडैप्टर वगैरह लेना पड़ेगा. तो ऐसे ही इधर उधर लेके घूमते रहोगे, एक तो नया लैपटॉप खरीदा है, साथ के साथ एक नया अडैप्टर या कन्वर्टर भी खरीदना पड़ेगा, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, तो यहीं आके खरीदना. और तीसरा रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ से खरीदोगे तो आपको यहाँ की वारंटी मिलेगी, और साथ के साथ आप रिप्लेस या रिटर्न भी करा सकते हो. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो और आपको वो पसंद नहीं आती, तो यूजुअली 15 दिन की एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, तो आप स्टोर में जाके उसको चेंज करवा सकते हो या फिर रिटर्न कर सकते हो और अपने डॉलर्स वापस ले सकते हो. जब मैंने अपना मैकबुक लिया था, जब मैं 2018 में कनाडा आया था, तो उसका स्पेस बार ढंग से काम नहीं कर रहा था, दो दिन बाद तो मैंने वो रिप्लेस करा लिया था, तो उन्होंने एकदम ब्रांड न्यू मेरे को दे दिया था, और जो पहले मैंने लिया था उन्होंने वापस ले लिया था. तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर पाओगे. अगर आप अपनी होम कंट्री से ले आओगे तो इंटरनेशनल वारंटी के चक्कर में पड़ोगे, रिसीट्स वगैरह निकाल लोगे, तो इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है. और अगली चीज़ जो कि आपको अपनी होम कंट्री से कनाडा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बड़ी बड़ी बॉटल जो होती है ना शैम्पू की, बॉडी वॉश की, फेस वॉश की, वो आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका यार वेट बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप 1 लीटर का अपना शैम्पू ले आओगे, जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है, वो लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 2-3 किलो का होता है, अभी आपका वेट खराब होगा, क्योंकि लिमिटेड वेट है आपके पास 23 केजी का. तो वो आप यहाँ पे आके खरीदो. यहाँ पे वॉलमार्ट में ना लिटरली बताऊँ, बहुत ही बढ़िया ब्रांड के शैम्पू होते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्रांड के बॉडी वॉश और फेस वॉश मिल रहे होते हैं. और प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आपका कोई फेवरेट ब्रांड है जो कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, कब तक आप उसको इंडिया से मंगाते रहोगे, कब तक आप ये सब करते रहोगे कि भाई कोई इंडिया जा रहा है तो मेरे को लेके आएगा, पूरी जिंदगी तो नहीं चलेगा ना. तो आपको यहीं के ब्रांड्स वगैरह के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा. तो यही करना, तो वो बड़े बड़े बॉटल्स अपने इंडिया में छोड़ के आना. अगर आपको इनिशियल डेज के लिए कुछ चाहिए कि आप आते ही नहाओ डेफिनेटली और अपना फेस वॉश करोगे या फिर सिर वगैरह नहाओगे, शैम्पू चाहिए होगा, तो आप छोटे छोटे ट्रैवल पैक्स लेके आ सकते हो. आपको बड़ी बड़ी बॉटल्स लेके आने की कोई जरूरत नहीं है. इतने पैक्स ले आना कि आपके हफ्ते, दो हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीना चल जाए. ठीक है, यहाँ पे वॉलमार्ट में बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही बढ़िया प्राइस पे होते हैं, अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती हैं. ठीक है, तो बड़ी बड़ी बॉटल्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगली चीज़ जो कि आपको अपनी होम कंट्री से कनाडा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है फूड आइटम्स. तो बेसिकली यार मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि
एक पूरा बैग मसालों से और पता नहीं कौन कौन से खाने की आइटम से भर के ले आते हैं, तो आपको वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक गुजराती दोस्त था, नो ऑफेंस, वो इतने सारे मसाले ले आया था, फाफड़ा और जो भी कहते हैं वो सारी आइटम्स को बहुत सारा ले आया था, और वो एक साल तक चला था उसका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्पेस को, उस वेट को आप किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे इंडियन स्टोर्स, एशियन स्टोर्स, पटेल स्टोर, हर जगह अवेलेबल है बहुत ही इजीली और बहुत ही किफ़ायती प्राइस पे, तो आपको इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, जो एशियन स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो कि मैंने इंडिया में नहीं देखी थी, और साथ के साथ प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल प्राइस होता है, तो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, आपको अपनी होम कंट्री से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टिल चाहते हो कि नहीं, मेरे को इनिशियल डेज के लिए मेरे को वही वाला टेस्ट या वही मसाले या वही चीज़ें चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे पैक्स में लेके आ सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जो MDH या शान वगैरह के मसाले होते हैं, टाटा के मसाले होते हैं, $1.15 का पूरी एक बॉक्स आ जाता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है वो सब लाने की। ठीक है, डेफिनेटली मैं एक दिन जाऊँगा किसी एशियन स्टोर में, एक अंकल से बात कर ली थी मैंने, उन्होंने मेरे को अलाउ कर दी है कि आप आके वीडियो बना सकते हो, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा इस मंथ या नेक्स्ट मंथ जाके वहां पे। ठीक है, अगली चीज जो कि आपको अपनी होम कंट्री से कनाडा लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो है महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े। तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि आपके पास जितने भी अच्छे कपड़े हैं ब्रांडेड, जो आपने टी शर्ट्स शर्ट्स वगैरह ले रखी हैं, वो सब लेके आना, आपको नए खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी आपके पास बढ़िया महंगे कपड़े हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, वो सारे लेके आना। जो घटिया घटिया टी शर्ट्स घर पे डालने वाली ले रखी है ना, वो लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे वॉलमार्ट वगैरह में बढ़िया $5-5 की मिल जाती हैं। ठीक है, तो जितना भी आपका बजट है कि भाई मैं 10,000 रुपये की शॉपिंग करूंगा या 20,000 रुपये की शॉपिंग करूंगा कपड़ों पे कि कनाडा जा रहा हूँ, वो सारा ना यहाँ आके खर्चना, अगर आप खर्चना ही चाहते हो, यहाँ पे आपको बढ़िया वैरायटी मिल जाएगी, और यहाँ पे ना आउटलेट स्टोर्स वगैरह होते हैं और डील्स वगैरह बढ़िया मिलती हैं। तो $25 में आपको कैल्विन क्लाइन की एक बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर की डिसेंट प्रॉपर टी शर्ट मिल जाएगी, या फिर टॉमी हिलफिगर वगैरह हो गया, या फिर एडिडास, नाइकी, बढ़िया कपड़े मिल जाते हैं। मेरी एक वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें मैंने एक ब्लू कलर की स्वेटशर्ट डाली हुई है, यहाँ पे एडिडास लिखा होता है, तो उस स्वेटशर्ट का प्राइस है $25 जो कि मैंने आउटलेट मॉल से खरीदी थी। तो बहुत ही सस्ते कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे बढ़िया ब्रांड्स के, तो आपको इंडिया से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बढ़िया कलर्स मिल जाएंगे, बढ़िया वैरायटी मिल जाएगी, तो नेवर बाय न्यू ब्रांडेड क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया। तो बेसिकली अगर आप लोकल वाले कपड़े खरीदना चाहते हो वो लेके आ सकते हो, लेकिन जो ब्रांड्स वाले होते हैं ना वो लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगली चीज़ जो कि आपको अपनी होम कंट्री से कनाडा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है हैवी ब्लैंकेट और रजाइयाँ। तो बेसिकली यार यहाँ पे जो घर वगैरह होते हैं ना वो प्रॉपरली हीटेड होते हैं, तो अगर बाहर ठंड हो रही हो लाइक -40, -30 और फील्स लाइक -50 भी हो, तो घर के अंदर पता ही नहीं लगता। ठीक है, घर सारे हीटेड होते हैं, सेंट्रल हीटिंग होती है, तो बेसिकली अगर बाहर -40 हो रहा है तो घर के अंदर बच्चे टी शर्ट में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हैवी ब्लैंकेट ले आओगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो एक बेसिक ऊपर ओढ़ने के लिए छोटा मोटा ब्लैंकेट ले आना, लेकिन आपको हैवी रजाई लाने की जरूरत नहीं है कि इतनी मोटी मोटी इंडिया वाली रजाई लेके आगे जो एक ट्रंक में रखी होती है मम्मियों ने, तो वो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना यानी वेट और स्पेस ख़राब करोगे, जो लिमिटेड होता है 46 kg के आसपास। तो आप क्या करना है, एक बेसिक रजाई ले आना जिसको कंफर्टर बोलते हैं या फिर एसी ब्लैंकेट बोलते हैं, वो काम कर जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट वो भी नहीं लाते हो तो काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलमार्ट या आइकिया में कंफर्टर वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि पहले दिन मेरे को रजाई चाहिए, उसके बिना मेरे को नींद ही नहीं आएगी, तो आप लेके आ सकते हो। ठीक है, अगली चीज़ है नॉन इंडक्शन यूटेंसिल्स। तो बेसिकली यार यहाँ पे कनाडा में जितने भी गैस स्टॉप्स होते हैं, मतलब जितने भी चूल्हे होते हैं, वो सारे इंडक्शन वाले होते हैं या फिर कॉयल बेस्ड होते हैं। यहाँ पे ना वो फ्लेम वाले जो चूल्हे होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, बहुत ही रेयर देखे, मैंने एक घर में देखा था, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो इंडक्शन वाले गैस स्टॉप होते हैं या फिर कॉयल बेस्ड गैस स्टॉप होते हैं, तो आपको नॉन इंडक्शन यूटेंसिल्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। एट दी एंड क्या होगा, आपको सुपर स्टोर, वॉलमार्ट या किसी स्टोर में जाके नए इंडक्शन वाले बर्तन खरीदने पड़ेंगे, तो डबल खर्चा हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो नॉन इंडक्शन वाले जितने भी बर्तन होते हैं वो लेके आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बर्तनों की बात कर ही रहे हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की, जो कि होता है कुकर। तो बेसिकली यार कुकर का मेरा मानना ये है कि बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे कुकर ले आते हैं, उनको लगता है कि हम अकेले खाना बनाएंगे, और अपने लिए अगर खाना बनाना तो छोटा सा कुकर ले जाते हैं। दैट मेक सेंस, मतलब फेयर इनफ। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब बच्चे इकट्ठे रहते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि यार चल हम इकट्ठे खाना बना लेते हैं। तो जब बच्चे जब इकट्ठे खाना बनाते हैं तो छोटे छोटे जो सब कुकर लाए होते हैं वो काम नहीं करते। एंड एट दी एंड होता क्या है कि आपको अमेजोन से या फिर किसी इंडियन स्टोर से बड़ा कुकर ऑर्डर करना पड़ता है और आप उसमें खाना बनाते हो। ठीक है, तो अगर आप छोटा कुकर लेके आते हो तो ये सोच के आना कि अगर आपने अकेले रहना है
तो छोटा कुकर लेके आओ। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि भाई मैं ग्रुप में रहूँगा, हम ग्रुप में खाना बनाएंगे, तो आपको छोटा कुकर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो सारे बच्चे मिलके अपनी कंट्रीब्यूशन करके एक बड़ा कुकर खरीद लेना, उसमें दाल बनाओ, राजमा बनाओ, छोले बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ। तो मेरा मानना ये है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे रहोगे, तो उस हिसाब से आप कुकर लेके आओ या फिर कुकर ना लेके आओ। और लास्ट चीज़ मैं आप सारे बच्चों को ये बोलना चाहूँगा जो भी अपनी होम कंट्री से कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि यार जब आप यहाँ पे कनाडा आओगे तो आपको यहाँ पे जाके अननोन लोगों से बात करनी पड़ेगी, स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपना नेटवर्क बनाने के लिए, अपने कनेक्शंस बनाने के लिए। तो वो जो डर होता है ना कि भाई मैं किसी से कैसे बात करूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो ये जो डर होता है अंदर बसा होता है, उसको ना अपनी होम कंट्री में छोड़ के आना, वो आपको बिल्कुल नहीं लेके आना, ठीक है? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, यहाँ पे अपना नाम बनाना है, बढ़िया डॉलर्स कमाने हैं, तो बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, फ़ोन पे, ईमेल पे, चैट पे और इन पर्सन भी। अब तो कोविड भी खत्म हो गया, अब तो इन पर्सन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो डर अपना होम कंट्री में छोड़ के आना, बिल्कुल लेके आने की जरूरत नहीं है, और सब बढ़िया होगा और हम सब सक्सेसफुल होंगे। एक मिनट यार, जाने से पहले, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यार ये चीज़ लेके आना या फिर ये चीज़ मत लेके आना, जो भी हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा रख ली है या फिर कोई चीज़ नहीं रखी है, पैकिंग वगैरह कर ली है, तो इतनी स्ट्रेस मत लेने लग जाना कि भाई क्या हो गया, ठीक है? डोंट वरी एट ऑल। बहुत सारी गलतियां हमने भी की थी, मैं भी, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा ले आया था या फिर ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं लेके आया था, मुझे लगा कनाडा में तो आराम से मिल जाएंगी, बहुत पंजाबी रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी पगड़ियां बहुत कम लेके आया था क्योंकि मुझे लगा कि कनाडा में तो बड़े पंजाबी हैं, मिल ही जाएंगी, ठीक है? लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि थंडर बे में तो होएंगी नहीं बिल्कुल भी, वो ब्रैम्पटन साइड मिलती है, इनफैक्ट लंडन में भी कोई भी पगड़ी की शॉप वगैरह नहीं है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को जॉब भी मिल गई, मेरे को PR भी मिल गई, सब कुछ हो जाता है। तो पैकिंग इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसको टेंशन लेने लग जाओ कि पता नहीं क्या ही होगा। डोंट वरी, लॉन्ग तुम सोचो, अगर कोई एक छोटी मोटी चीज छूट गई या फिर एक्स्ट्रा लगे, कोई बात नहीं, कोई जंगल में नहीं आ रहे आप, एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ रहे हो, आप कनाडा में आ रहे हो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, हर तरीके का स्टोर है, सारे देशों का सारा सौदा मिलता है। तो डोंट वरी एट ऑल, लॉन्ग टर्म सोचो, सक्सेसफुल होना है, दैट्स इट, और पैकिंग शेकिंग होती रहेगी, ठीक है? अब आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।